अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है, देख सकते हैं कल धूप हुआ था, आज बारिश का मौसम फिर से वापस आ गया, बादल लगे हुए, बारिश हो सकता है। तो बात करें हम, एक वीडियो मैंने डाला था कल या परसों, देख सकते हैं ये वाली वीडियो जो कि छुट्टी जाने को लेकर के है, जो अभी ऑफर चल रहा है 17 मार्च से लेकर अभी 3 महीने तक का इसमें टाइम दिया गया है। जो लोग फंसे हैं कुवैत में, जिनके पास इकामा एक्सपायर हो गया, भाग करके काम कर रहे थे, जिनका पासपोर्ट खो गया है, या फिर जो है कि वो किसी तरीके से फंसे थे, घर जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए अभी ऑफर चल रहा है, सरकार ने 3 महीने का छूट दिया है। जो बंदा इसमें जाना चाहता है सकता है। तो मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन काफी लोग जो है फिर दोबारा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या इसमें जो है कि आपको स्टंपिंग करवाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करवाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा कागज लगेगा, पत्र लगेगा। तो उसी पर बात करने वाले, देखिए वीडियो को छोटा रखेंगे, रमजान चल रहा है तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। बात करते हैं, देखिए अगर जो पहला चीज बता, फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर जो आपके पास पासपोर्ट है, आपकी सिविल आईडी में डेट है, काफी लोग पूछ रहे थे कि कई लोग मेरे को सवाल किए भाई मेरे पास तो सिविल आईडी का डेट है और पासपोर्ट भी है लेकिन मैं बाहर भाग के काम करता हूं, जा सकता हूं। देखिए अगर जो आपके ऊपर कोई केस नहीं है, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, सिर्फ आपको टिकट लेना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अगर जो आपका इकामा वैलिड है और पासपोर्ट आपके पास है तो कहीं कुछ भी कोई कागज नहीं लेना, सिर्फ टिकट लीजिए चले जाइए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास सिविल आईडी पासपोर्ट है, आप बाहर भाग के काम करते हैं कपिल को बिना बताए, तो जाहिर सी बात है काफी कपिल जो है कि वो केस कर देते हैं, जाके हुरूफ में डाल देते हैं कि ये बंदा भाग गया है, ऐसा कुछ भी कर देते हैं, तो वो केस हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा सून ऑफिस, ठीक है, सुन आप इस जाकर के एक पेपर मिलता है वो बनवा करके उसके बाद आपको टिकट लेके चले जाना है, समझ लीजिए वही स्टंपिंग है, जो समझना समझ लीजिए। अगर जो आपके पास पासपोर्ट है और सिविल आईडी का आपका डेट खत्म हो गया तो आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी जाइए और वहां पे एम्बेसी में लाइन लगे हुए हैं, इतने लोग भीड़ वहां लगा खड़े हैं क्योंकि यही काम ही हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं, सबका वही प्रॉब्लम है। आप एम्बेसी चले जाइए और वहां से एक पेपर मिलेगा, या फिर आपको वहां से सुन भेजा जाएगा, वहां जाके एक पेपर मिलेगा, वहां से लेके चले जाइए, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। या फिर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, काफी रख लिया चाहिए ऐसा कुछ है, तो आपको एम्बेसी जाना है, जाकर के आपको व्हाइट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है, और जैसे व्हाइट पासपोर्ट बन जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं है, वहां से सुन ऑफिस जाकर के स्टंपिंग करवा के आपको टिकट लेना है, चले जाना है, बहुत सिंपल तरीका है। एक चीज नोट कर लीजिए, जो बंदा ये 3 महीने के अंदर नहीं, सरकार इसीलिए छूट दिए लंबा इतना, 3 महीने के अंदर अगर जो आप नहीं जा पाए और छूट के दौरान, उसके बाद आपको फाइन भी लगेगा और बैन भी लगेगा, फिंगर भी, बहुत सारा जो है प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जाना मुश्किल हो जाएगा, और जाएंगे भी तो इतना पैसा, इतना फाइन लगेगा कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जिन भाइयों को जाना है, वीडियो को लंबा, बारिश शुरू हो गया, देख सकते हैं आवाज आ रहा है, दिखा दूं मैं, अब देखिए बारिश शुरू हो गया है, तो जिन भाइयों को जाना है फटाफट जो है अभी चांस है, और रमजान का मौका चल रहा है, आप इसी में निकल जाइए, हो सकता है आप काम जल्दी हो रहा है, फटाफट हो रहा है, ईद आपको घर पे मिल जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको स्टंपिंग करवाना पड़ेगा सून ऑफिस से, जो कि जो है रिगई में है, ठीक है, रिगई में है, वहां जाकर के आप सून ऑफिस रिगई कर देंगे, चाहे किसी टैक्सी वाले से पूछ लेंगे, सीधे ले आके छोड़ देगा, नहीं समझ में आता सीधे एम्बेसी जाइए, एम्बेसी से वहां मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल, समझ रहे हैं, हमसे चाहे किसी और से आपको रब्ता करने की जरूरत नहीं, आप सीधे एम्बेसी जाइए, जो प्रॉब्लम है बताइए कि मेरे को ये दिक्कत है, वो एम्बेसी वाले खुद बोलेंगे कि आप वहां चले जाइए, रिक गई चले जाइए, वहां सून ऑफिस में वहां पे एप्लीकेशन दीजिए, तुरंत हो जाएगा काम, आप वहां से टिकट लीजिए, उसके बाद घर चले जाइए, कोई रोक छेक नहीं। और सबसे अच्छी बात ऑफर ये है कि आप घर जाके वापस आ सकते हैं नए बीजेपी, सबसे अच्छी बात ये है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।